राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये ब्लॉग ना जो मैंने शेयर किया था ना शनिवार का 19 अक्टूबर का, तो उसी से आगे का है। मॉर्निंग रूटीन शेयर कर दी थी, तो मैं मार्केट गई थी थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। तो शॉपिंग करके ले आई हूँ मैं करवा चौथ की शॉपिंग। तो क्या क्या लाई हूँ आपको आगे ब्लॉग में दिखता ही जाएगा। बस थोड़ा सा पूजा पाठ की सामग्री है, थोड़ा अपने लिए है, थोड़ा श्रृंगार वगैरह, और थोड़ा सा फ्रूट्स ले आई मॉर्निंग के लिए। सुबह जल्दी उठूँगी ना तो उस वक्त ले लूँगी थोड़ा सा, जिससे कि मतलब नारियल पानी लाई हूँ, जिससे पानी की कमी ना रहे बॉडी में, क्योंकि मेरी तो फास्ट वगैरह से ना सेहत थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो फिर नारियल पानी से थोड़ी एनर्जी लेवल हाई रहता है, तो वो ले आई हूँ मैं अपने लिए। बाकी पतिदेव ने शॉपिंग करा दी है ढेर सारी, पूरी ऐसा लग रहा है पूरी मार्केट ही खरीद दी है। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब मैंने टाइटल में ऐसा लिखा है पूरी मार्केट, तो क्या मतलब। अब ऐसा है कि करवा चौथ के दिन इतने शॉप में जाना पड़ता है ना, थक जाते हैं, और हमारे पास टाइम कम था क्योंकि इनका ना ड्यूटी था 1 बजे से, तो जल्दी से हम मार्केट गए 11 बजे। और घर का काम जो भी मॉर्निंग रूटीन है पूरा, खाना पीना ब्रेकफास्ट वगैरह करके चले गए थे हम मार्केट। फिर मार्केट में आप लोग को पता ही है, दिवाली हो करवा चौथ हो कुछ भी फेस्टिवल हो, इतना ज़्यादा रश रहता है ना, ख़ास तौर पर कॉस्मेटिक शॉप में। अभी तो करवा चौथ है तो लेडीज़ की लाइन, मतलब इससे पहले मेरे पास टाइम नहीं था ना, मेरे पास तो था ही टाइम, इसके पापा के पास टाइम नहीं था ना, ड्यूटी ज़्यादा ही लग रही इस टाइम पर, तो मार्केट जाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो कल ही चले गए थे हम शनिवार को ही, तो फिर अब दूसरे दिन मतलब आज करवा चौथ है तो पहले दिन ही शॉपिंग की, तो फिर रश तो होना ही है मार्केट में, बिल्कुल शॉपिंग हो ही नहीं पा रही थी। बहुत मुश्किल से जो जो आइटम मिला उठा ले आई मैं जैसे तैसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। शाम को तो और भी ज़्यादा होगी, वो तो सुबह चले गई थी मैं, फिर इसके बाद घर आ गई थी, तो फिर ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा था इनका, तो मैंने सोचा, इन्होंने बोला खिचड़ी बना दो आज, तो मैंने सोचा खिचड़ी ही बना देती हूँ मूंग दाल वाली, और वैष्णवी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है ये। तो फिर लेट हो गए थे ना, फिर दाल चावल बनाने में ज़्यादा लेट हो जाता, और धूप इतनी ज़्यादा थी, सर दर्द हो गया था सच में बाजार में, और धूल धक्कड़ इतना ज़्यादा ना, इसलिए मैं शॉपिंग करने पहले ही जाने की सोच रही थी, लेकिन क्या है कि टाइम भी ऐसे ही हो जाता है, टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता इनको, तो फिर वही दिक्कत है। फिर ऑनलाइन शॉपिंग का भी सोच रही थी, ऑनलाइन शॉपिंग ही कर लूँगी, लेकिन उसके लिए भी टाइम नहीं मिला, उसमें भी देखना पड़ता है ना, सर्च करना पड़ता है इतनी सारी चीज़ें, तो कुछ तो विश लिस्ट में थी, ऑर्डर करना में थोड़ी सी लेट हो गई थी, तो वो टाइम से नहीं आ पाता है फिर, या तो फिर ऑर्डर 10-15 दिन पहले कर दो तो तब सही रहता है। तो फिर फाइनली ले आई मैं जैसे तैसे जो भी सामान आना था, और कलश ले आई हूँ, मिट्टी का कलश और साज श्रृंगार की चीज़ें, और जो मंदिर का सामान है इसको मैं पहले अलग से रख दूँगी मंदिर वाले रूम में, बाकी जो श्रृंगार की चीज़ें हैं उनको मैं आप लोगों के साथ शो करूँगी एक एक करके थोड़ी देर में। तो ये थोड़ा सा मिट्टी वाला है ना, इसको अलग से रख दूँगी, कहीं गिरने का डर रहता है ना फिर, तो इसको मंदिर वाले रूम पर ही रख दूँगी मैं। तो फिर मैंने यहाँ पर खिचड़ी रख दी है, इतनी ज़्यादा थकान लग रही थी ना क्योंकि धूप से आई हूँ मैं अभी, और ब्रेकफास्ट भी हल्का फुल्का ही किया था, टाइम नहीं मिल पा रहा था ना उतना, तो फिर साफ़ सफाई भी करनी पड़ती है घर की, फिर बाज़ार से क्या क्या लाना है उसका लिस्ट भी बनाना था। और ये साड़ी का फॉल ले आई हूँ मैं, मुझे करवा चौथ में जो साड़ी पहननी है ना वो वाला फॉल अभी मैंने नहीं लगाया है, तो फॉल लगा लूँगी। और ये साड़ी पति देव ने ही दिलाई है मुझे, मीशो से मंगाई थी मैंने, मैंने आप लोग को पहले दिखाई है वैसे, मतलब बताया नहीं करके मैं ये करवा चौथ में पहनूंगी करके, बस मैंने इतना ही शो किया था कि मैं 2 साड़ियाँ ले आई हूँ, एक दीपावली के लिए महालक्ष्मी के लिए लाई हूँ, एक करवा चौथ के लिए ले आई हूँ। तो जी अब शुरू करती हूँ सामान दिखाना मैं, और सबसे पहले ये एक मंगलसूत्र लाई हूँ मैं, जो मेरा ओरिजिनल गोल्ड वाला है ना वो तो मैं पहने ही रहती हूँ, उसका धागा थोड़ा सा ढीला हो रहा है तो उसको ठीक करना है, तो गिरने का डर रहता है कहीं रास्ते रास्ते में, तो एक मैं ले आई हूँ मंगलसूत्र मार्केट से, 180 का है ये, और ये कांच की चूड़ियाँ हैं, और ये तो मुझे चाहिए ही होती हैं, और थोड़ा मुझे भी चाहिए, और थोड़ा मंदिर में चढ़ाने के लिए भी। और ये कड़े ले आई हूँ, और चूड़ियों का सेट बनाना है मुझे अपने लिए, तो कड़े ले आई हूँ, ये 100 रुपीज़ के कड़े हैं। और एक मेकअप ब्रश ले आई मैं, और आप लोग को पता तो है मैं मेकअप वेकअप कुछ नहीं करती हूँ, तो इस बार मेकअप ब्रश उठाकर ले आई हूँ, करना तो नहीं आता है ज़्यादा, तो ट्राई करूँगी, पहले करती थी शादी से पहले, अब मैं भूल चुकी हूँ ना सारा, जब से वैष्णवी हुई है तो भूल गई हूँ। ये कंसीलर लाई हूँ मैं एक,
और ये भी मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। फाउंडेशन लगा लेती हूँ मैं कभी, लेकिन कंसीलर कभी नहीं लगाया मैंने, देखो कैसा होता है। और लिप लाइनर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और मेहंदी आज रात में लगा लूँगी मैं। और फिर ये है एक ब्लेंडर, ये भी पहली बार ले रही हूँ मैं, क्योंकि मेकअप मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। शादी के बाद थोड़ा बहुत करती थी, अब तो वो भी छोड़ दिया है, क्योंकि वैष्णवी को पालने पोसने में ही इतना बिजी हो गई ना मैं, अपना कभी ध्यान ही नहीं दे पाई। और ये बिंदी के पैकेट हैं, तो अब वो थोड़ी बड़ी हो गई है, तो अब करना स्टार्ट किया है मैंने। और ये कंटूर था, कंटूर भी लगाऊंगी सोच रही हूँ। और ये मंदिर के लिए चढ़ाने के लिए है, बिंदी, नेल पेंट और ये सिंदूर वगैरह जो भी चीज़ें हैं, तो भी थोड़े से। और ये काजल है, तो फिर मेरे पास तो है ही ऑलरेडी, थोड़े से रबर बैंड ले आई हूँ मैं, और रबर बैंड भी चाहिए था। मेरा तो बाकी चीज़ सब कुछ है, तो थोड़ा सा मंदिर में चढ़ाने के लिए ले आई हूँ, और तो सब कुछ है ही। और बाकी मतलब ये रहा मेकअप का सामान मेरा। हर जगह अपना अपना रीति रिवाज होता है ना, किसी का कुछ होता है किसी का कुछ। और हमारे उत्तराखंड में तो हल्का फुल्का ही ऐसे ही मनाते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में पहाड़ों में ना वैसे करवा चौथ का जो त्यौहार होता है ये तो ऐसे नहीं होता है, लोग इस टाइम पर देख देख कर ही कर रहे हैं। हमारा वैसे वट सावित्री होता है, और करवा चौथ तो फिर वही फैशन जैसा हो गया ना अब ये तो, आजकल हर न्यू मैरिड लोग हर कोई कर रहा है, तो मैंने भी उठा लिया था। तो कुछ लोग का तो बहुत ज़्यादा विधि विधान होते हैं इसमें, रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, तो उतना नहीं करती हूँ मैं, बस हल्का फुल्का ही करती हूँ। क्योंकि अब हमारे उसमें होता तो जो पहाड़ों में जो कुछ रिवाज होता तो कुछ रूल्स होते तो हमको पता होता, तो हमको उतना ज़्यादा कुछ पता नहीं है, क्योंकि कभी किसी ने किया नहीं, हमने भी ऐसे ही देख देख कर ही उठा रखा है। कभी टीवी सीरियल्स में देखकर, मूवीज़ में देखकर, या आस पड़ोस में कोई उठाता तो उनको देखकर, तो इसलिए उठा लिया मैंने। तो फिर अब यहाँ पर मेकअप का सामान तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, ये है मेरी करवा चौथ की साड़ी, और बहुत अच्छी है, हल्की हल्की है, तो मुझे भारी साड़ियाँ अच्छी नहीं लगती हैं, हल्की ही अच्छी लगती हैं। क्योंकि एक तो साड़ी पहनना बहुत टफ होता है, ऊपर से भारी हो तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, हल्की साड़ियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो रेड साड़ी मेरे पास थे, मतलब वो बहुत पुराने हो चुके थे, तो मैंने छोड़ दी है उनको पहनना, तो मुझे चाहिए थी रेड साड़ी, क्योंकि ये काम भी आती है ना पूजा पाठ में, नवरात्र में रेड साड़ी ही ज़्यादा काम आती है, तो मैंने सोचा इस करवा चौथ में रेड साड़ी ही लूँगी। अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ साड़ी का फॉल, तो फिर साड़ी का फॉल भी पहले लगाना टाइम नहीं मिला, और टाइम भी, और भूल भी जाती थी अब करूँगी करके, ये भी आज ही कर रही हूँ मैं। मतलब कि आज शाम को इतना ज़्यादा काम हो गया ना मेरा, मॉर्निंग 4 बजे उठ गई थी सुबह, तब से मैं भागने में ही हूँ भागने में ही हूँ, इतनी ज़्यादा थकान लग गई है, आँखों में ना इतना दर्द हो रहा है ना थकान से, क्योंकि मार्केट गई थी ना, वहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, तो आँखों में ना मेरा दर्द हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो अब यहाँ पर साड़ी का फॉल लगाना स्टार्ट कर दिया है, इसको लगाने में भी ना कमर दर्द हो जाती है, सच में साड़ी का फॉल लगाना भी बहुत ज़्यादा सा दर्द है, लेकिन जल्दी लग जाता है, ऐसी नहीं है, मुझे लगाना आता है, स्टार्ट करो तो 2 मिनट में हो जाता है, जल्दी से हो जाता है, तो इसलिए मैं बाहर शॉप में नहीं दी। वैसे भी शॉप में देना होता है तो ना 5-6 दिन पहले देना पड़ता है, वो लोग तुरंत नहीं देते हैं। यहाँ पर वैष्णवी भी आ रही थी, तो पानी पी रही हूँ मैं अभी, पानी लगातार मतलब बॉटल ही रखा है मैंने यहाँ पर, नहीं तो मैं कुछ काम करती हूँ ना भूल जाती हूँ, इसलिए मैंने सोचा वाटर बॉटल अपने सामने ही रख देती हूँ, क्योंकि पानी की कमी बिल्कुल नहीं होने देनी है, क्योंकि मेरा व्रत है 2रे दिन, तो पहले दिन से ही मुझे अपनी हेल्थ की केयर करनी पड़ेगी, खूब पानी पीना पड़ेगा 1st दिन से ही, नहीं तो फिर वाटर लेवल कम हो जाता है ना, तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, बहुत ज़्यादा। और वैसे आज तक तो करवा चौथ में मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई है, भगवान की कृपा से, माता रानी ने इतनी शक्ति दी है ना सच में, मतलब आज तक जितने भी मैंने करवा चौथ के व्रत रखे हैं ना, मुझे ना कमजोरी हुई है ना कुछ, मतलब बहुत अच्छे से निपट गया है सारी चीज़ें, यही होती है ना, मतलब माता रानी की कृपा हो तो सारे काम आसानी से बन जाते हैं, और नहीं तो मेरा नॉर्मल टाइम में कुछ भी होता है तो ना मतलब एकदम चक्कर आने लगता है, मतलब खाने का रूटीन कुछ से गड़बड़ा जाता है, तो लेकिन इस दिन मेरा बिजी भी रहता है, वैसे इस दिन वैसे भी सजने संवरने में बिजी रहते हैं, थोड़ा सा फोटोशूट वगैरह में, और कुछ लोगों से मिलने उलने में, मतलब दूसरों को भी देखते हैं ना कौन कैसे तैयार हुआ, तो इसमें बिजी रहते हैं हम लोग, तो दिन निकल ही जाता है पूरा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा साड़ी में पूरा फॉल लग चुका है, अब इसका ना जो किनारा होता है उसको पीको करना था, तो पीको करने का भी टाइम नहीं था, तो मैंने क्या सोचा जल्दी से अभी मैं इसमें मशीन मार देती हूँ,
मशीन तो था ही मेरे घर में, और पीको करने के लिए तो फिर पहले ही देना पड़ता है, तुरंत हाथ तो हाथ कोई नहीं करता है। तो फिर मैंने सोचा चलो अभी मैं मशीन में ही सिल लेती हूँ, मशीन में सिला हुआ भी ठीक ही होता है, उतना ख़राब नहीं होता है। मेरी बहुत साड़ियाँ हैं जो जिनके मैंने जो पल्ले होते हैं ना उनको मशीन में ही सिल रखा है, बस आना चाहिए सिलना, थोड़ा कपड़ा वो होता है ना ये तो हो जाता है, मतलब ऐसी बात नहीं है। मैं क्योंकि मैं थोड़ा बहुत कपड़े सिल लेती हूँ अपने, तो यहाँ पर थोड़ा सा शाम भी होने लग गई है अभी, और काम में इतना बिजी हूँ ना आजकल, 3-4 दिन हो गए हैं मैंने ना सुबह ना शाम चाय तक, मतलब चाय पीने का भी टाइम नहीं मिला, शाम का तो छूट ही गया है लगभग। और इसको पापा को भी, मतलब जब मैं बनाती हूँ तो तभी वो भी पीते हैं, वैसे खुद तो नहीं बनाते हैं वो, मैं बनाती हूँ तो तभी पीते हैं, वो भी थोड़े आलसी हैं चाय बनाने के चक्कर में। तो यहाँ पर वैष्णवी पता नहीं क्या ले जा रही है फ्रिज से, हाँ ये अपने लिए सैंडविच बना रही थी, थोड़े से वो बचे हुए थे ना ब्रेड, तो मैंने बोला खा लो सैंडविच खा लो। तो यहाँ पर अब मैंने सारे बर्तन धो लिए हैं जो भी बर्तन धोने थे मेरे, तो मतलब साड़ी में फॉल लगाने के बाद मुझे सारा किचन साफ़ करना था और बर्तन धोने थे, मतलब सब पेंडिंग चल रहा था काम। मैंने सोचा पहले, क्योंकि शाम को फिर साड़ी में फॉल लगाने में दिक्कत होता है ना, लाइट कम हो जाती है, अभी नेचुरल लाइट थी, सनलाइट इतना तेज़ होता है ना दिन में, उससे जो बारीक वाले काम होते हैं ना सिलाई वगैरह के, तो वो करने के लिए दिन का टाइम अच्छा रहता है, क्योंकि मेरे आई पावर थोड़ी वीक है ना इसीलिए, तो रात में ऐसा काम नहीं कर पाती हूँ मैं सिलाई वगैरह, मतलब वो कर तो लेती हूँ, दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा आँखों में, फिर दर्द होता है ना इसीलिए। तो यहाँ पर सब हो गया है और किचन क्लीनिंग कर रही हूँ, और वैष्णवी भी यहाँ पर पूछ रही थी मैं रनिंग के लिए जा रही हूँ, क्योंकि उसका और टाइम तो पापा के साथ जाती थी, तो आज पापा ड्यूटी पर हैं, तो इसलिए बोल रही थी कि अब फ्रेंड्स के साथ ही चले जाती हूँ, सारे फ्रेंड्स ही आए रहते हैं फील्ड पर इसके, वहीं रनिंग करते हैं, क्योंकि इनका अब रनिंग होने वाला है ना स्कूल में, तो इसने पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो मैं बोली थी ठीक है चले जाओ। तो फिर अब मुझे ना एक काम और करना है यहाँ पर फटाफट, अब मुझे यहाँ पर बहुत जल्दीबाजी हो रही थी, क्योंकि इसके पापा के लिए टिफ़िन रेडी करना है, और टिफ़िन रेडी करके मुझे पहुँचाना भी है उसको जहाँ उनकी ड्यूटी लगी है। तो फिर मैं अपने काम में इतना बिजी थी ना कि मतलब मैं सोच रही थी थोड़ी देर बाद करूँगी, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 8 बजे तक मुझे वहाँ पहुँचना था, उसके बाद फिर मतलब वो लोग फिर चले जाते हैं ना, 8 बजे ही मिलते हैं इसलिए। तो फिर मैंने यहाँ पर जल्दी जल्दी काम करना स्टार्ट किया, और किचन विचन सब साफ़ कर लिए, वैष्णवी तो चली गई है खेलने के लिए, अब मैं अपना सारा जो भी पूजा पाठ वाला रूटीन है वो फॉलो कर लूँगी, मतलब इतना अभी काम करके इतना कमर दर्द हो गया ना मेरा, मन तो कर रहा था थोड़ी देर लेटूँ, लेकिन लेटने का बिल्कुल टाइम नहीं था। कपड़े भी मैंने भिगाने के लिए डाले हैं, यहाँ पर मेरी पूजा पाठ हो गई है शाम की, दिया बाती वगैरह तुलसी माता जी में भी मैं दिया बाती करके आ जाऊँगी, और कपड़े मैंने पहले ही भिगाने के लिए डाल दिए थे सर्फ में, जिससे फिर मैं फटाफट उनको निचोड़ के बाहर डाल दूँगी ना, पहले भिगाने से थोड़ा आसानी रहता है, और रात देखो कितनी ज़्यादा रात हो गई है, और मतलब पूजा पाठ भी अभी मैं जल्दबाजी में ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सब्जी भी काटना है, आटा गूंदना है, टिफ़िन रेडी करना है, फिर जाना भी है सही टाइम पर, तो फिर मतलब किसी दिन होता है ना दिन बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है, अगर पहले से ही चीज़ें प्रिपेयर करो तो ठीक रहता है। मेरी करवा चौथ की पहले से कुछ भी तैयारी नहीं हुई थी, तो मैं सोच रही थी अब करूँगी, कि चक्कर में ना ऐसे ही रह गया, सबसे बड़ी बात है मार्केट जाने का ही दिक्कत था ना, तो इसके पापा को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था ना, इसलिए सब कुछ एक ही दिन में हो रहा है, तो थोड़ी सी भगदड़ सी हो जा रही है। तो अब आ गई हूँ मैं फ्रिज में, तो सब्जी देख रही थी, अब वीकेंड चल रहा है तो सब्जी भी ख़त्म हो रखी है, तो मैंने सोचा चलो ये शिमला मिर्च है ये ले लेती हूँ, और एक आधी लौकी भी बची हुई थी, लौकी भी मिक्स कर दूँगी थोड़ा सा, आधा वाला बचा था, और इसमें थोड़े से मैं डाल दूँगी आलू, आलू की भी अच्छी बनती है। तो जी यहाँ पर पूजा पाठ भी हो गई है, तो आज का दिन ना पूरा मतलब बिजी थी पूरे दिन में, और करवा चौथ की मेरी तैयारी हो गई है लगभग, छोटी मोटी बची है वो चलता ही रहेगा, और अब मुझे कपड़े भिगाने के लिए डाले हैं उनको बस खुखलने हैं और बाहर डाल दूंगी, और जल्दी से मुझे डिनर बनाना है, क्योंकि इसके पापा का टिफ़िन है जो रेडी करके मुझे देना है, तो फिर वो ला देना बोल रहे थे, क्योंकि आज उनकी थोड़ी सी ड्यूटी चेंज है ना, तो टिफ़िन मुझे वहीं पहुँचाना है, तो थोड़ी देर बाद जाती हूँ, तो जल्दी से रोटी सब्जी बनाती हूँ, और जो कपड़े धुलने हैं उनको भी धोती हूँ, तो मतलब आज सुबह से लेकर रात तक पूरा बिजी ही रहने वाला।
फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जल्दी से बाथरूम में आ गई हूँ। मैंने सोचा पहले कपड़े ही खोकर लेती हूँ, उसके बाद सब्जी कट वट फिर करूँगी। जल्दी से हो जाता है, वैसे जल्दी फटाफट करो तो निपट ही जाता है किचन का काम भी। तो फिर कपड़े भी बहुत देर से भीगे थे ना, ज़्यादा देर तक भीगने से ना फिर स्मेल भी आने लग जाती ना, इसलिए मैंने सोचा जल्दी खोकर के इनको बाहर डाल के आ जाती हूँ, उसके बाद फटाफट किचन के काम मैं कंप्लीट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ये ब्लॉग अब यहीं पर एंड करती हूँ मैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द। और आगे का इसका मतलब आगे इसके पार्ट भी कंटिन्यू रखा हुआ है मैंने, तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मिल जाएगा। तो जी, जो भी चैनल में नए विजिट करते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो अभी सभी को राधे राधे।